मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 29 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, ऐसे में कल शिवसेना की तरफ से जो है मुंब्रा में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मुंब्रा में जो है शिवसेना को भारी तादाद में जो है यहाँ से समर्थन मिलता दिखाई दिया। ये पहली बार हुआ है कि जो शिवसेना को इतनी बड़ी तादाद में मुंब्रा से समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। जिस तरह से इस बार इस लोकसभा चुनाव में श्रीकांत शिंदे को मुंब्रा शहर से जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, इस तरह समर्थन मिलने के बाद जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो दूसरे पार्टी से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनमें काफ़ी इस समर्थन को देखते हुए जो है हलचल मची हुई है कि किस तरह से मुंब्रा शहर में श्रीकांत शिंदे को जो है समर्थन मिल रहा है। इस जो रैली यहाँ पर निकाली गई थी उसमें सुभाष भोईर और सुधीर भगत ऐसे तमाम दिग्गज लोग जो है उसमें रैली में शामिल थे। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सुधीर भगत साहब, जो शिवसेना के ही नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुधीर भगत जी, जो रैली कल यहाँ निकाली गई थी, उस रैली में जिस तरह से समर्थन यहाँ पर मिला है श्रीकांत शिंदे को, तो इसमें क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आखिर में प्रेस वाले जो होते हैं वो लोगों की जो सोच है वो सामने लाते हैं। तो आपने जो देखा वो आपने बोला कि यहाँ पर भारी समर्थन मिल रहा है। मैं मुंब्रा के लोगों का तहे दिल से अभी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज तक तो आपने हमारा साथ, इसके आगे भी हमारा साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप 29 तारीख को आइए, और जो लोगों के अंदर बदलाव आया है, जो मुंब्रा के अंदर बदलाव आया है, उसको मत के अंदर परिवर्तित करिए। क्योंकि मत जो होता है वो अपना अभिव्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो मेरी सोच होती है, तो मेरी सोच कोई और नहीं थोपना चाहिए। किसी और के बहकावे में आके, किसी और के इशारे पर न नाचते हुए आप अपनी सोच के हिसाब से शिवसेना के ऊपर विश्वास रखिए। शिवसेना आज से, अभी से, कई सालों से लोगों के बीच में रही है और काम करते रही है, और आप देखते रहेंगे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। हम कहते हैं हमेशा कि हमारा उम्मीदवार कैसा हो, हम एक नारा लगाते हैं, हमारा उम्मीदवार कैसा हो, वो ऐसा हो कि शिक्षित हो। एक वक्त था कि हम कहते थे कि एकनाथ शिंदे साहब के लड़के को चुन के दीजिए, लेकिन आज हम कह रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को चुन कर दीजिए। ये फर्क आ चुका है। कल जो सभा हुई, रैली के बाद जो सभा हुई, सभा में जो है श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे जी ने भी ये कहा कि जो हम यहाँ पर काम करते हैं उस काम का श्रेय कोई दूसरा लेता है, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। तो क्या जो काम अगर वो करते हैं तो खुद यहाँ आकर उस काम का उद्घाटन करेंगे, जनता से मिलेंगे? फिलहाल पिछले दिनों उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से ये बात सामने आई, तो क्या अब ऐसा होगा? नहीं, सोफे सीधे आपकी बात से हम कहते हैं कि ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है कि काम शिवसेना ने किया है, वहाँ पर पार्टी जो लगती है वो शिवसेना की, यानी नगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है, उनकी लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई और आके नारियल फोड़ता है, कभी रात के अंधेरे में, तो कभी चुपके छुपा के, तो ये होता आया है पहले से, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा आश्वासन हमको ऊपर के नेताओं से भी आया है, नगर पालिका से भी आया है, कि महापौर की तरफ से भी आया है कि ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि काम कर हो रहा है और श्रेय कोई और ले रहा है। यहाँ पर पोस्टर बॉय, मैं तो उनको पोस्टर बॉय कहूँगा, सिर्फ पोस्टर लगाना, खुद की एक मशीन खोल के रखी है, वहाँ से पोस्टर प्रिंट करके आते हैं और मुंब्रा में लगा देते हैं कि भैया ये इसका काम, नगर से वो काम कर रहे हैं, उनका श्रेय भी लेते हैं। कभी कभी खासदार ने किया हुआ काम कहते हैं कि हमने किया, उनके कोई नेता का हमने सुना है कि वो कहते हैं कि हमने किया। भाई साहब, आप नगर सेवक का काम, ये आप जो बात बोल रहे हैं नगर सेवक का काम, तो कहीं ना कहीं जो है मंच से भी यही शिंदे साहब ने कहा कि नगर सेवक का भी काम जो होता है तो वो अपना बैनर लगा लेते हैं, कहाँ तक ये सही? अभी आपने बताया कि मंच से हमारे नेता ने कहा, ये हकीकत है, ये मुंब्रा पूरा उससे वाकिफ हो चुका है कि करे कोई और नाच नाचे बंदर और माल खाए मदारी। मुझे एक सब पूछना है मुंब्रा की जनता से, रोड शिवसेना ने दिया, हॉस्पिटल शिवसेना ने दिया, स्टेडियम शिवसेना ने दिया, कंक्रीट रोड शिवसेना ने दिया, पानी की टाकियाँ शिवसेना गवर्नमेंट ने दी, सब शिवसेना गवर्नमेंट, खेल का मैदान शिवसेना दे रही है, गार्डन्स दे रही है, के लिए फंड दे रही है। अब इतना सब देने के बाद फिर भी आप उसको सौतेला कहोगे, तो जिसने कब्रिस्तान खा गया उसको क्या कहोगे आप? लेकिन जिस तरह से बात सामने आ रही है कि हॉस्पिटल हो गया, स्टेडियम हो गया, ऐसे कई चीज़ें जो है शिवसेना ने की है, तो फिर शिवसेना इन सब चीज़ों के उद्घाटन के समय पीछे क्यों रह जाती है? क्यों नहीं उस समय जो है इन सब चीज़ों का आकर उद्घाटन किया जाता है? अगर आप नहीं आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका उद्घाटन का जो है कोई और श्रेय लेगा,
कोई और ही उद्घाटन करेगा, तो ये शिवसेना की भी गलती है कि वो उद्घाटन के समय क्यों नहीं आती। ये मैं मानता हूँ और ये मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि ये हमारे वरिष्ठों ने भी इसको मान लिया है, यहाँ के नेताओं ने भी मान लिया है कि ये गलती हमारे से हो रही है। हम चाहते थे कि ठीक है यहाँ के जो नगर सेवक है उनको ये मेरे, लेकिन हम जब देखा गया सब उल्टा हो रहा है, नगर सेवकों को भी दरकिनार रख करके कोई और ही आके जैसे हमने किया मैंने किया, तो ठीक है एक ना एक दिन मैं के गर्दन पे छुरी चलती है, वक्त अल्लाह बड़ा है वो भी ऊपर से देख रहा है, जो है दूध का दूध पानी का बहने सामने आ जाएगा। पब्लिक को या तो पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे हैं या तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में से एक है, यानी हमारे हम मुमरा वाले बेवकूफ़ है या तो हमको वो बेवकूफ़ बना रहे, यही हम समझ गए। क्या बोलेंगे इसके आगे? अभी जो रेलवे का काम हो रहा है वहाँ से मुमरा रेलवे स्टेशन से जो है CST के लिए भी गाड़ी छूटने का जो है बात सामने आ रही है और प्लेटफार्म भी कुछ नए बन रहे हैं, तो वो श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं कि वो काम हम करा रहे हैं, लेकिन कोई और कह रहा है कि वो काम मैं करा रहा हूँ। उनके कुछ अध्यक्ष हैं तो वो कह रहे हैं कि जो है ये हाउस में आवाज़ उठाकर जो है उनको उन्होंने जो है ये पास कराया है, तो ये किसने कराया है आखिर? कौन से हाउस में? उनके हाउस में, उनके घर के अंदर या नगर पालिका में या स्टेट गवर्नमेंट में, कहाँ पर है उनके अध्यक्ष, कहाँ पर उठाया उन्होंने आवाज़? मैं उनसे कहना चाहता हूँ यही चीज़ हम कहना चाहते कि क्या बेवकूफ समझते हैं क्या मुमरा वालों को, कि कुछ भी बोल दिया आपने अनाप शनाप। अरे जो विधायक का काम है, हम मुझे ये बताइए पहले यहाँ पर विधायक के काम क्या हुआ है? क्या कोई फ्लाईओवर स्टेट गवर्नमेंट से आया है क्या? क्या कोई हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट से आया है क्या? क्या कोई यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट से आई है? अरे कुछ काम दिखाओ ना। जो खासदार का काम है, जो रेलवे से डिपार्टमेंट है, PWD से डिपार्टमेंट है या और जो भी है, जो नेशनल लेवल के काम है, वो भी आप बोलो कि हमारा किया है, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा। इस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है इस समय जो है, आप लोग मुमरा से, खासकर मुमरा से जो है आप लोग किस तरह से जो है श्रीकांत शिंदे को समर्थन कर रहे हैं और लगभग मुमरा शहर से जो है कितना मत दिलाने की कोशिश करेंगे आप? देखो गणित जनता दरबार के अंदर आएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वोट जो पिछले बार था उससे हम ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसा है, उन्होंने हमने कभी फ़र्क नहीं किया, शिया कब्रस्तान के लिए पानी की लाइन डाली, बोरी कब्रस्तान के लिए पानी की लाइन डाली है, तो मुस्लिम समाज ही है ना, वो भी यतीम खाने के ऊपर 25 लाख की शेड लगा कर दिए, वो भी मुस्लिम समाज है। आने वाले वक्त के अंदर मुमरा के स्टेशन का तो काया पलट होगा, एक्सकेलेटर हो या आने वाला, जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि CST तक यहाँ से रेलवे जानी चाहिए, पास मुमरा CST ट्रेन शुरू होनी चाहिए, उसका भी प्रस्ताव हम यहाँ के लोक प्रतिनिधि ने हमारे खासदार साहब को दिया है। खासदार साहब क्या हो रहा है कि दीवा जो जंक्शन है, दीवा जंक्शन का जब तक रीडेवलपमेंट का मॉड्यूल सामने नहीं आता है, उसका जो टाइमिंग है वो जब तक नहीं आता तब तक मुमरा से अपने को हमारे मुमरा के लिए मुमरा टू CST ट्रेन पॉसिबल नहीं है, ऐसा वहाँ पर कहा गया। इस तरह से शिवसेना काम करती है, तो क्या आने वाले दिनों में अगर इस लोकसभा चुनाव में तो श्रीकांत शिंदे जीत कर आते हैं तो अगर कुछ कार्य होता है तो क्या मुमरा शहर में उनका आना जाना रहेगा, लोगों से मिलना जुलना रहेगा, जो उनके द्वारा काम होता है उस काम पर वो खुद नारियल फोड़ेंगे या किसी और को मौका देंगे फोड़ने के लिए? मैं तो आज तक श्रीकांत शिंदे साहब के काम पर किसी और ने नारियल फोड़ा हुआ मैंने देखा नहीं है। हर जगह पर जहाँ जहाँ श्रीकांत शिंदे साहब ने काम किया है वहाँ पर वो खुद आए हैं। मसलन फास्ट ट्रैक की आप देखो, फास्ट ट्रैक की जो दीवार का काम चालू है वहाँ वो खुद आए स्टेशन में, 1 रुपये के अंदर हमने क्लिनिक बनाया था वहाँ पर भी वो आए थे। आप कह रहे हैं मुमरा स्टेशन पर 1 रुपये क्लिनिक जो है श्रीकांत शिंदे ने उद्घाटन किया था, लेकिन इस समय वो क्लिनिक बंद। उसकी वजह ऐसी है कि वो कई प्लेटफॉर्म पर शुरू होने वाला था, लेकिन जिस कंपनी को वो दिया गया था उस कंपनी को कम समय में वो टारगेट पूरा करने के लिए कहा गया था, तो उसलिए वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। जैसे मसलन जैसे 80 स्टेशन का काम दिया होता तो 60 स्टेशन का काम हुआ जाता है। अभी मैं सुना कि जो जानकारी जो मिल पाती है इसका टेंडर जो है पूरा होता है, इसलिए हुआ इसका टेंडर, इसको एक वक्त दिया गया। टेंडर का मतलब होता है एक वक्त के अंदर उनको उतना करना होता है, वो करने के लिए सफल नहीं होती, इसलिए उसको वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन फिर भी ये जो 1 रुपये दे रही है वो जल्द से जल्द शुरू होगा, और सेना हर वार्ड के अंदर एक छोटा सा अस्पताल जो क्लिनिक होता है, लोगों को आप
डॉक्टर के पास जाने के लिए भी 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया खर्चा करना पड़ता है, वो सुविधा के लिए नगर पालिका के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से शिवसेना अब बाहर से खड़े करके धीरे हम लाने जा रहे हैं। जिस तरह से कहीं ना कहीं बाबा पाटिल जो है लेकर उम्मीदवार है उन्हें भी खास तौर पर जो है समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, तो ये जो कांटे की टक्कर नजर आ रही है, कांटे की टक्कर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, पिछले साल 2.5 लाख प्लस से हमारे डॉक्टर शिवराज साहब जितने साथ जीते थे, इस बार हमारा टारगेट 5 लाख प्लस से जीत का है। लेकिन वो उनका भी जो है ना टारगेट यहाँ 1 लाख लोगों से जीत कर जीत कर है। कैसे क्या बोले, उनके खुद के नेता आके स्टेज के ऊपर बोलने जा रहे हैं कि हमारे कम से कम डिपॉजिट तो जब हो, सोचो सोच उनकी क्या है। हम 5 लाख की बात कर रहे हैं और उनके नेता स्टेज के ऊपर बोल रहे हैं कि हमारे हम इतना कोशिश करेंगे कि डिपॉजिट जब्त ना हो। जिस तरह से कल के रैली में जनता उनके समर्थन में उतरी और यहाँ के जो नेता है वो समर्थन में उतरे, तो इस समर्थन को देखते हुए जो है और भी जो पार्टी है जब तक एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, तब तक एक दूसरे को हम जानेंगे नहीं। और मैं एक बताना चाहता हूँ, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने जो काम किया है, लोगों से जो रिलेशन बनाए, आप देखिए वो ईद के अंदर आके लोगों को मिलके जा रहे हैं, देख रहे हो इतनी तादाद में लोग आए हैं। ये जो किसी से भी पूछ लिया होता तो भाई आपको हमने कहीं देखा है कि रैली हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है, तो बोलते भाई अभी 300 रुपये खत्म होने का बाकी है, इसलिए हम चल रहे हैं, माफ कर ये काम हमारा नहीं है। उन्होंने जो काम किया, देखो मेडिकल कैंप कई अपंग को उन्होंने जो पैर जो कृत्रिम पैर रहते हैं वो दिए, श्रीकांत शिंदे ने तो कह दिया कि हम हॉस्पिटल बना के दिए, लेकिन हॉस्पिटल अधूरे में ऐसे ही लटका हुआ है। और उसकी भी बात सामने आ रही है कि वो प्राइवेट होगा, लेकिन शिंदे साहब कह रहे हैं कि जो है ये टीएमसी को दिया जाएगा, तो क्या ये टीएमसी को दिया जाएगा या फिर ये भी जो है प्राइवेट हो जाएगा, जैसे स्टेडियम प्राइवेट हो गया है। जहाँ तक शिवसेना का ताल्लुक है, हमारे नेता साहब ने क्लियर कट कहा है कि ये जो है, लेकिन प्राइवेट तो तब होगा ना जब हॉस्पिटल बन के तैयार होगा, कितने दिनों से वो बन रहा है अभी तक वैसे ही, उसका और बहुत से रीजंस है, उसका ऑडिट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो चीज़ चल रहा है, इलेक्शंस होते हैं, बारिश होती है, 1 महीने 4 महीने का अंतर दिया जाता है, उसके बाद ये जल्द से जल्द बनेगा, हम भी ये इलेक्शन के बाद उसको जल्द से जल्द बनाने की मांग करें। जैसा कि आप सुन रहे थे कि सुधीर भगत जी ने बताया है कि जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल भी जल्द ही उसका काम पूरा किया जाएगा, और रही बात उसे प्राइवेट करने की, तो उनका कहना है कि इस हॉस्पिटल को प्राइवेट करने से रोका जाएगा, उनके तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से जो हर संभव कोशिश है वो की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर जो यहाँ पर रैली हुई थी, उस रैली में जो यहाँ पर समर्थक मौजूद थे, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मुंब्रा में इतने बड़े पैमाने पर समर्थक मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई भाड़े के बुलाए हुए समर्थक नहीं थे, वो उनके काम को देखते हुए जो है उनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए थे, जो रैली को यहाँ पर कामयाब बनाया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।